रस्तियां तो मनुख परमात्मा तक पहुंचते हैं, पंथ ने रस्ते ने परमात्मा ने किधरे भी नहीं पहुंचना, उदा कोई पंथ नहीं। परमात्मा तक पहुंचने दे पंथ ने, परमात्मा ते व्यापक है, ऐसा थोड़ी एक जगह है ते दूजी जगह नहीं, होते व्यापक है, उन्हें कितने जाना है, उसको बिना ते और कुछ आई नहीं, वो ते नहीं चला है, टिके आया। इस वास्ते साहब कहने उदा कोई मजुक नहीं, नमस्तम अम अजवे, नमस्तस्त अजवे। जे मजहब के आधार से साडा फैसला नहीं करता, जात फर्क है, जात पात करके, रंग रूप करके, वर्ण करके, कौम करके, देश करके, भाषा करके जे साडा फैसला नहीं करता, तो साडे फैसले का आधार की होता है, किस बिना से साडा फैसला करता है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, करमे करमे होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। वो जो सच्चा है, जेदा दरबार सच्चा है, उते सिर्फ कर्मा दे विचार होंगे, सिर्फ कर्म और कुछ भी नहीं। कीता होया कर्म बीज है, इन्हां दा फल की है दुख ते सुख। मैं जरूर कोई ऐसा बीज है जो मैं दुखी हूं, मैं जरूर कोई ऐसा बीज है जो मैनू सुख मिले, दुख सुख फल है। कर्म बीज है, आप बीज आपे ही खाए। इस वास्ते गुरु नानक देव जी कहते हैं, अपने दुखां लई भुल के भी किसी नूं दोषी ना ठहराए। दद्दा दोष ना देव काहू दोष करमा, अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर जना। कर्म फिलासफिर अलग एक मजमून है, लंबा चौड़ा कई दिन मंगदा इस वक्त, उसनूं मैं नहीं छेड़न लगा, मैं इतनी अर्ज करन लगा। परमात्मा का नाम औषधि है, सारे रोगों में काम आता है, पर यह औषधि किसी मेडिकल स्टोर तो नहीं लभनी, किसी डॉक्टर तो नहीं लभनी, आप बनानी पैनी, आप ही खानी पैनी, आप जपना पैना, अपना हथी अपना आपे ही काज सवारी। अज तक मनुख दे शरीर दे चों रोगां नूं कढ़ने वास्ते बड़े बड़े वैदराज आए, सियाणे आए, शरीर शास्त्री आए, मंत्रां दे उपचार तो बाद आयुर्वेद आचारी आए, जड़ी बूटियां दे राहीं लोगां दा इलाज करना। यह इलाज भी बड़ा स्लो स्पीड नाल चलदा सी, आहिस्ता आहिस्ता मरीज ठीक होंदा सी, होंदा ते सी, और रोग भी जड़ों किसे हद तक कुछ कटे जांदे सन। रोग आपदी ज्ञातली अर्ज करां, तीन तरह दे होंदे, आहारक रोग, खान पीण दी बद परेजी तो कोई रोग हो गया, आहारक रोग। आयुर्वेद शास्त्रा दे जिहड़ा मेघ विनोद जड़ी बूटियां दा शास्त्र है, धनंतर दा लिखिया होया, उन्हें दो लफ्ज बड़े उत्थे कीमती वरते ने, आहार चिकित्सा आहार रोग। खाना पीना रोग है, खाना पीना औषधि है, खाना पीना जहर है, खाना पीना अमृत है। आहार रोग खाना पीना रोग है, आहार चिकित्सा खाना पीना औषधि है, इलाज है, दवाई है, दारू है, अमृत है। तुसी आखोगे आहार दे नाल खाने नाल इन्हें दो शब्द क्यों जोड़ने, दो हालतां क्यों, आहार रोग आहार चिकित्सा। गुरु नानक देव जी महाराज कहने, बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खा दे तन पीड़िए, मन में चले विकार, तन भी रोगी बने मन भी रोगी बने। होर दे की अर्थ करोगे, मैं निकम्मे चक्रां विच नहीं पैंदा, गुरबाणी ग्रामर अनुसार थोड़े सामने मैं अर्थ रखा, एवें जज्बाती ते जिहड़े अर्थ तुहानूं सुनाए जांदे नहीं ने। बाबा होर खाणा खुशी खवार, भुख ते है नहीं पर मैं खा रहा,
हुण एक एक बुरकी रोग पैदा करेगी। हो भुख तो हो, मैनू भुख लगी है, मैं खा रहा, यह खाना सहज है। मैनू भुख नहीं लगी तो मैं खा रहा, यह खाना सहज नहीं है। भोजन की एक एक बुरकी रोग पैदा करेगी, लाजमी पैदा करेगी। मुहम्मद साहब के समय ईरान चो एक हकीम जद्दा गया, छह महीने तक जब कोई रोगी ना आया, वह बेचारा अपना साजो समान लैके खच्चर ते लद के वापस ईरान आन लगा। तो सोचा चलो मुहम्मद साहब नूं सलाम करदा जाना। सलाम करके कहन लगा, हजरत मैं जा रहा अपने वतन, इथे मेरा काम नहीं चलना, चलिया ही नहीं मेरा काम, कोई रोगी नहीं आया। मुहम्मद साहब कहन लगे ठीक है, तेनू जाना ही चाहिदा है, क्योंकि मैं अपनी उम्मत नू शिक्षा दिती है पूरी भुख ना लगी होवे ते रोटी खानी नहीं, एक बुरकी दी भुख रहिंदी होवे ते छोड़ देनी है, रोगी नहीं आएगा, आहारक रोगी नहीं आएगा। ते तू इसे दा इलाज कर सकदा, मानसिक रोग दा नहीं कर सकदा। आहार रोग बाबा और खाना खुशी खुआर, भुख ते है नहीं खाई जा रहा, एक एक बुरकी रोग पैदा करेगा। और शरीर दे बैलेंस नू संतुलन नू बिगाड़ के रख देगी। पंज तत जिहड़े ने इन्हां दा बैलेंस बिगड़ने आ, शरीर बादी हो सकदा है, शरीर पित प्रधान हो सकदा है, सिर्फ शरीर कफ प्रधान हो सकदा है। बैलेंस बिगड़ गया पानी दा, एक कफ प्रधान हो जाएगा, इनू दमा इत्यादिक होर भी बथेरा कुछ हो सकता है। संतुलन बिगड़ गया गर्मी का शरीर दे, क्योंकि परमात्मा ने अंदर नाप तौल के गर्मी रखी है, तो इन प्रधान रोग हो सकते हैं, कई तरह के रोग हो सकते हैं। वायु प्रधान बाधी, हवा हवा का बैलेंस अंदर बिगड़ गया, ऐसिया चीजा खादा रहा है जो बाधी सन, बाद हवा कहते। आयुर्वेद आचार्य कहंदे ने शरीरक रोग पैदा ही इन्हां तिन्हां तों ने, वात पित कफ बैलेंस दे बिगड़दे आ, ते जड़ी बूटियां इस बैलेंस नूं ठीक करदियां। सिर्फ शरीर दे रोग दा इलाज है, लेकिन सिर्फ शरीर रोगी थोड़ी हुंदा है, मन दे रोग ने। इस युग दे च, इस सदी दे च ते मानसिक रोगां दी भरमार हो गई है। मेंटल हॉस्पिटल दे च पागलां लई थां नहीं रही, दिमागी संतुलन डामादोल हुंदा जा रहा है। ये आहारक रोग नहीं, मानसिक रोग ने, और वधदे जा रहे सारी दुनिया च। चिंता मानसिक रोग है, क्रोध मानसिक रोग है, सिखर तो वधिया होया लोभ अहंकार मानसिक रोग है। ये मन दे संतुलन नूं बैलेंस नूं बिगाड़ के रख देंदे। एक वैद बड़िया दवाइया सजा के बैठा सी, ते मरीज भी उदे कोल आ रहे सन, नबज देख के दवाई दे रहा सी। धन गुरु नानक देव जी लंघे और हस पे। वैद सतगुरु नूं देख के थले आया, सजदा कीता, आख्या महाराज आप हस पे हो, मैनू वेख के, मरीजा नू वेख के, या मेरिया दवाइया। सतगुरु कहन लगे तिन्ना नू वेख के हासा आया है। क्यों? तेनू मूल रोग दा ते कोई ज्ञान नहीं है, तेनू रोगां दी जड़ दा ते कोई ज्ञान नहीं है, ते वैद बनया है। मरीजा ते भी हासा आया है, जिसनों मूल रोग का ज्ञान नहीं, उदे कोल इलाज कराने वास्ते आए ने। ते तेरिया दवाइया ते भी मैनू हासा आ गया, जो मूल रोग नू कटदिया ही नहीं, ते सजा के रखिया हुई ने। वैद
हाथ जोड़ के कहिंदा है महाराज फिर वो मूल रोग की है। गुरु ने कहा जिन्हों तू ठीक कर देना है वो क्या तेरे को फिर नहीं आऊंगा? महाराज फिर भी आऊंगा। इसका मतलब है तू रोगों की जड़ नहीं कटता। दर्द होवे दुख रहे शरीर ऐसा दारू लगे ना वेर, ये दारू रोगों की जड़ नू नहीं कटता, नहीं कटता। फिर महाराज तू जड़ा जड़ है बुनियादी हो गए वो की है गुरु नानक देव जी दसते ने ध्यान सुनना। सतगुरु कहने ने दुख विछोड़ा एक दुख भुख एक दुख सत प्रवाह जन जो एक दुख रोग लगे तन आए वैद न बोले दारू। जिहड़ा मन परमात्मा नू भुला के टुट के जी रहा है बेशतर रोग इस पर पैदा होते हैं। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभ्य ये मूल रोग है। भाई साहब भाई नंद लाल का एक वाक गम चे बाशद दुख की है गम की है गफलत अज याद खुदा। भाई साहब कहते ने परमात्मा नू भुल जाना ही दुख है रोग है। औषधि की है याद आंबा मन तिहा उदी याद ही महा आनंद है। तुद चित आए महा आनंदा जिस विसरे सो मर जाए जी। भाई साहब के अगे होर भी कहने ने हर चे गाफिल शुद्ध भाई साहब भाई नंद लाल हर चे गाफिल शुद्ध अजना दान भवन गर्गदा बाशद व गर सुल्तान भवन। अगर बादशाह है या भिखारी है परमात्मा याद नहीं करता भूले होया कि दोवे मूर्ख है निर्धन है कि चाहे धनवान है पढ़ा लिखा है कि भावे अनपढ़ है दोवे मूर्ख ने। एक अनपढ़ मूर्ख है एक पढ़ा लिखा मूर्ख है। पढ़िया मूर्ख आगे जित लब लोभ अंक हर चे गाफिल शुद्ध अजना दान भवन गर्गदा बाशद व गर सुल्तान भवन भावे बादशाह है भावे निर्धन है अगर प्रभु नू याद नहीं करता तो महामूर्ख है मूर्खां सिर मूर्ख मूर्खां सिर मूर्ख है जे मन्ने नाई ना गुरु नानक उन्हूं भुल जाना ही महारोग है। दुख विछोड़ा एक दुख बुख